बिहार चुनाव में LJP ने JDU का किया बुरा हाल, दुखी नीतीश CM बनने से कर रहे संकोच। बिहार में करीब 2/3 नए विधायकों पर आपराधिक मामले, 81% करोड़पति ADR की रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक RJD के 54 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले तो BJP के 73 में से 47 और JDU के 43 में से 20 आपराधिक मामले वाले विधायक। कांग्रेस के 19 में से 16 पर तो है क्रिमिनल केस, रिपोर्ट के मुताबिक 194 नए विधायक हैं करोड़पति। बिहार चुनाव परिणाम के बाद रैलियों की भीड़ पर उठे सवाल, तेजस्वी की रैली में जुटी भीड़ पर हो रहा संदेह। बिहार चुनाव के परिणाम से निराश हुए लालू यादव, तेजस्वी को दी गठबंधन की राजनीति में संभावनाएं तलाशने की सलाह। मुनव्वर का बिहार परिणाम आने के बाद की OBC पर तंज, अकाउंट पर लिखा, मुसलमानों तुम्हें OBC की जीत और बिहार की हार हो मुबारक। एग्जिट पोल के नतीजे गलत निकलने पर एक्सिस माई इंडिया सर्विस एजेंसी ने मांगी माफी, महिलाओं के कारण हुआ उलटफेर, बोलती है कम। बिहार परिणाम पर अखिलेश का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोले लोकतंत्र को रौंदने में लगी है डबल इंजन की सरकार। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद में पुजारी और सामाजिक संगठन बने वादी, कोर्ट में दी गई याचिकाएं, सांप्रदायिक अशांति पैदा होने की जताई आशंका। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से सटे 17वीं सदी की ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए होनी है केस की सुनवाई। 11 दिन बाद आंदोलन खत्म, गुर्जर समझौते के लिए कमेटी में बदले मंत्री, तो सरकार और समिति में बनी बात, 6 मांगे पर बनी सहमति। आंदोलन के बाद जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए और नौकरी, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी लिए जाएंगे वापस। अमेरिका में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगातार ट्वीट करके जो बाइडेन की जीत पर उठा रहे हैं सवाल, धांधली के लगा रहे आरोप। प्रदूषण को लेकर गोवा के CM और केजरीवाल में हुई जुबानी जंग, कहा दिल्ली के प्रदूषण पर दें ध्यान, केजरीवाल ने गोवा में कथित विरोध प्रदर्शनों को लेकर उठाए थे सवाल। यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, 1 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों ग्राम पंचायतों को मिलेगा नगर पालिका का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को दी जमानत, महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी सलाह, कहा TV पर अर्नब के तानों को करें अनदेखा। केस सुनने के बाद अर्नब ने उद्धव ठाकरे को दी बहस की चुनौती, कहा खेल अब शुरू हुआ है, स्वतंत्र पत्रकारिता करने से नहीं रोक सकते। ललितपुर में पत्रकार पर हुआ हमला, हमले के बाद राहुल गांधी ने बिना अर्नब का नाम लिए BJP सरकार को उठाया सवाल। राहुल गांधी ने कहा चुनिंदा पत्रकारों के लिए ही अधिकार याद आएंगे, यह विनय तिवारी जैसे पीड़ितों के लिए भी।